नमस्कार, बधिरों के लिए विशेष समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया, मेरे साथ हैं सोनिया। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान जारी है। दिल्ली समेत 8 राज्यों में 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक 49% मतदान हुआ। बंगाल में वोटिंग की रफ्तार सबसे तेज है, वहीं यूपी में सबसे कम वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान हो रहा है। पोलिंग बूथों पर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर में वोट देने के लिए लोगों में उत्साह दिखा। मतदाता नाव के सहारे नदी पार कर वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं। चुनाव के छठे चरण के लिए कई दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वोट डाला और जनता से वोट देने की अपील की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी मतदान किया। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी वोट डाला। सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और महंगाई बेरोजगारी को देश के लिए चुनौती बताया। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान कई दिग्गजों पर हिंसा देखने को मिली है। कई जगह पर झारग्राम में बीजेपी उम्मीदवार प्रणव टूडो पर हमला किया गया। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए पत्थरबाजी की, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार और उनके सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर मारपीट का आरोप लगाया। दोनों गुटों में मारपीट की वजह से 7 लोग घायल हुए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। वहीं पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी के ऑफिस पर हमला हुआ। बिहार के पाटलिपुत्र में जनसभा के दौरान हंगामा हुआ। बिहार में पाटलिपुत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी को घेरा। यहां बिहार में लालटेन ने अंधेरा फैलाया। जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होते ही जेल के चक्कर शुरू हो जाएंगे, पीएम ने कहा। मुस्लिम आरक्षण को लेकर विपक्ष पर आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष के नेता संविधान में बदलाव कर धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। अंतिम चरण के चुनाव को लेकर सीएम योगी रैली कर रहे हैं। यूपी के चंदौली बलिया में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। बधिरों के लिए समाचार में फिलहाल इतना ही। News.